Hello friends, welcome back to our YouTube channel PrepUp 247. आज हम लोग 27 जून द हिंदू की वो कैब देखेंगे, तो चलिए देखते हैं. तो पहला वर्ड है कोहर्ड, मीन्स पार्टनर इन एक्टिविटी और कलीग्स. इसका हिंदी में मतलब है साथी. इसके सिनोनिम्स है एडहरेंट, मेट, एली, एकॉम्प्लाइज. इसके एंटोनिम्स हैं एनिमी, अपोनेंट या फिर प्रतिद्वंदी. इसके ट्रिक है मेरे कोहर्ट या फिर कलीग्स हेल्पफुल हैं. सैंग्विन मीन्स बीइंग हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक. हिंदी में इसका मतलब है खुश मिजाज या फिर आशावादी. इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुल, स्पिरिटेड, बोयंट मतलब प्रसन्नचित, एंथुजियास्टिक. इसके एंटोनिम्स हैं डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक, सैड मतलब दुख रहना, अनहैप्पी, निरस. इसका ट्रिक है हम लोगों को हमेशा सैंग्विन, खुशमिजाजी या फिर ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. बाउट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग ऑकर और फाइट. इसका हिंदी में मतलब है बारी या फिर मतभेद. इसके सिनोनिम्स है कर्स, सेशन, बैटल, इनकाउंटर. इन सब का मतलब है युद्ध, लड़ाई या फिर समर. एंटोनिम्स कॉनकॉर्ड, स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता या फिर एकमत या फिर एग्री. इसका ट्रिक है अपनों में कभी बाउट या फिर मतभेद नहीं करना चाहिए. पोडियम मीन्स स्ट्रक्चर फ्रॉम विच स्पीकर ओरेट्स और समथिंग फॉर सपोर्ट. इसका हिंदी में मतलब है मंच या फिर चबूतरा. इसके सिनोनिम्स है प्लेटफॉर्म, पल्पिट, स्टम्प, फाउंडेशन जहाँ से भाषण दिया जाए, प्लिंथ. इसके ट्रिक है प्रिंसिपल पोडियम या फिर मंच पे खड़े होकर अनाउंसमेंट किए. फॉर्मिडेबल मीन्स रिक्वायरिंग अ ग्रेट एफर्ट और टेरिफाइंग. हिंदी में इसका मतलब है भयानक या फिर डरावना. इसके सिनोनिम्स है डाउंटिंग, मेनेंसिंग, इम्प्रेग्नेबल दैट इज हाजार्डियस और इनविंसिबल, डायर, आर्डस मीन्स डरावना. इसके एंटोनिम्स है फिबल, प्लीजेंट, फ्रेंडली. इसका ट्रिक है वो जोकर मुझे फॉर्मिडेबल लगा या फिर भयानक लगा. डिसिडेंट मीन्स पर्सन हु होल्ड डिफरेंट बिलीफ और यू कैन से डिसएग्री. जिसका हिंदी में मतलब है असहमत या फिर मतभेद करना. इसके सिनोनिम्स है डिस्कॉर्डेंट, स्कीमेटिक मतलब सेपरेट, हेरेटिक, रेबल, एजिटेटर. इसके एंटोनिम्स है एग्रिंग मतलब सहमत रहना, कन्फॉर्मिंग. इसका ट्रिक है वो दोनों एक दूसरे से डिसिडेंट मीन्स असहमत या फिर मतभेद थे. नेक्स्ट रिफ्रेन मीन्स कीप फ्रॉम डूइंग और स्टॉप. इसका हिंदी में मतलब है परहेज करना. इसके सिनोनिम्स है सीज, एब्स्टेन, अवॉइड मतलब दूर रहना, रेनाउंस, फॉरगो, अबेंडन अलग होना. इसके एंटोनिम्स है परसिस्ट, मूव, इंडल्ज मीन्स किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहना. इसके ट्रिक हैं गलत आदतों से रिफ्रेन मतलब परहेज करना चाहिए. रिफ्ट हैविंग गैप और ब्रेक और यू कैन से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. इसका हिंदी में मतलब है दरार या फिर मन मुटाव या फिर मतभेद. इसके सिनोनिम्स है ब्रीच, क्लीवेज, राइम, एलिनेशन, क्लैश, डिसएग्रीमेंट मतलब अनबन. इसके एंटोनिम्स है क्लोजिंग, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्डेंस. इसका ट्रिक है दीवारों पे दरार आ गई. नेक्स्ट प्रिवेल मीन्स टू डोमिनेट और कंट्रोल ओवर. इसका हिंदी में मतलब है प्रबल होना. इसके सिनोनिम्स है कंक्वायर, रिंग, ट्रियम्प, अबाउट, प्रीपॉन्डरेट, विन मतलब जीतना. इसके एंटोनिम्स है लूज या फिर सरेंडर. इसका ट्रिक है बॉस हमेशा अपने स्टाफ को प्रिवेल या फिर प्रबल करते हैं. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको यह हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. अपने जितने भी क्वेरीज है PrepUp247 पे जीमेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. स्क्रीन पे जितने भी सोशल चैनल्स हैं उनको फॉलो रहकर अपडेट रह सकते हैं. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.